वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर एक्सिस बैंक से 44 लाख रुपए लूटकांड में से महज 60,000 रुपए की बरामदगी और दो लोगों की गिरफ्तारी को पुलिस सफल उद्भेदन बता रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के दो दिन पूर्व से ही बाइक की से लुटेरे रेकी कर रहे थे। वहीं सीसीटीवी में कैद तस्वीर से एक युवक की पहचान हुई थी और जब उसकी गिरफ्तारी की गई तब वह वही कपड़े पहने हुए थे जो कपड़ा उसने लूट के दौरान बैंक में पहना हुआ था। साथ ही लूटा हुआ एक मोबाइल भी बरामद किया गया। उसके पास से 50,000 रुपया और दूसरे व्यक्ति के पास से जिसने इस पूरे घटनाक्रम में योजना बनाया था उसके पास से 10,000 रुपया बरामद हुआ है। अब सवाल उठता है कि 44 लाख रुपए में से महज 60,000 रुपए की बरामदगी को सफल उद्भेदन बताना कितना सही होगा। पावर्ड बाय मम्मी किचन इंडिया बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। बेदुपुर कंचनपुर के पास एक्सिस बैंक में कुछ दिन पहले लूट हुआ था मेरे, उसमें 44,00,000+ का लूट हुआ था। उसी कांड का अनुसंधान के क्रम में उद्भेदन किया गया है और एटीएम बैंक एक्सिस बैंक में प्रवेश कर 8 अपराधकर्मी उसमें लूटपाट का अंजाम दिए थे। उसमें से एक अपराधकर्मी जो बैंक में प्रवेश किए थे, एक अपराधकर्मी पकड़े गए हैं और वह उसी ड्रेस में पकड़े गए हैं जिस ड्रेस में बैंक में प्रवेश किए थे। लाल टोपी, ब्लू पैंट, जीन्स और जूता पहने हुए हालत में ही पकड़ाए हैं। उनके पास से लूटा गया 50,000 का रिकवरी भी है और एक अभियुक्त और गिरफ्तार किया गया है जो कि इस लूटकांड को ऑर्गेनाइज किया था, लोगों को व्यवस्था दिया था और रैकी किया था पहले आकर के लोगों के साथ। वो एक अपराधकर्मी गिरफ्तार किया गया, उसके पास से भी 10,000 रुपये का बरामदगी है और कांड में लूटा हुआ एक मोबाइल भी बरामद है उनके पास से। इस तरह से कांड का सफल उद्भेदन हो चुका है। आपराधिक इतिहास, उन लोग का आपराधिक इतिहास है, पूर्व में उन लोग जेल जा चुके हैं और कांड में बेल पर थे। पहचान किस तरह से, सीसीटीवी फुटेज हुई थी क्या उसका? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करके गिरफ्तारी किया गया है। अरे किस तरह से रेकी की थी, इसके संबंध में कुछ बताया था कैसे? वो सब बाइक से आकर के रेकी करके गए थे घटना से दो दिन पूर्व। कब कितना दिन से कर रहे थे रेकी, कैसे? ये जो अपराधकर्मी है जो लूट का अंजाम दिलवाए थे वो कुछ ही माह पहले बैंक जेल से बाहर आए थे और जेल से बाहर आने के बाद ये प्लानिंग किए थे और प्लानिंग करके इधर दो चार दिन घटना के एक दो दिन पूर्व से ही रेकी विधिवत रेकी कर लिए थे कि घटना को अंजाम देना है। अच्छा, एक कारण क्या था कि लूटने का, कुछ और इसका कुछ हॉबी है या शुद्ध अपराधी है पैसा के लिए लूटपाट? इसके पहले भी बैंक लूट में संलिप्त था। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।